अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 26 दिसंबर को सुबह 5 बजे तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है। यह मैच मेलबर्न में एमबीसी स्टेडियम में आयोजित होगा और इस मैच में विराट कोहली कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, साथ ही अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 19,000 रन भी पूरे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के बारे में। पहला, विराट कोहली का अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट वनडे टी20 रिकॉर्ड। विराट कोहली अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 356 मैच खेलकर 56.42 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए 18,907 रन बना चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 63 शतक और 86 अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। विराट कोहली को अपने 19,000 रन पूरे करने के लिए सिर्फ 93 रनों की जरूरत है, जो कि वह तीसरे टेस्ट मैच में पूरा कर सकते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। अगर विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में 19,000 रन बनाने में कामयाब हुए तो वह ऐसा करने वाले दुनिया के 12वें बल्लेबाज बन जाएंगे। इनमें से पहले 11 बल्लेबाजों ने यह रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तीसरा, बन सकते हैं 64वां शतक लगाने वाले बल्लेबाज। विराट कोहली अगर तीसरे टेस्ट मैच में शतक लगा देते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 64वां शतक लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन जाएंगे। फिलहाल उन्होंने 556 मैच में 63 शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चौथा, मोहम्मद शमी पूरे कर सकते हैं टेस्ट 2018 में अपने 50 विकेट। मोहम्मद शमी अगर तीसरे टेस्ट मैच में 6 विकेट ले लेते हैं तो वे टेस्ट 2018 में सबसे पहले 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन जाएंगे। पांचवा, ऑस्ट्रेलिया के नेथन लायन अगर तीसरे टेस्ट मैच में 2 विकेट हासिल कर लेते हैं तो वे टेस्ट क्रिकेट 2018 में सबसे पहले 50 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज बन सकते हैं। फिलहाल उन्होंने 9 टेस्ट मैच में 48 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, क्या विराट कोहली तीसरे टेस्ट मैच में 19,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।